भिवाड़ी पुलिस जिला मुख्यालय होने और शहर में गहन गश्त और नाकाबंदी के बावजूद भी भिवाड़ी में चैन स्नेचरों व मोबाइल झपटमारों के आतंक से शहरवासी अपने आप को डरे हुए महसूस कर रहे हैं। पुलिस की इतनी सुरक्षा के बावजूद भी बदमाश पुलिस की सुरक्षा में सेंध लगाकर वारदात को अंजाम देकर फुर हो जाते हैं। भिवाड़ी शहर की भगत सिंह कॉलोनी में ब्लैक पल्सर सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से 1.5 तोला सोने की चैन लूट ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पीड़िता आरती पत्नी संजय यादव निवासी टीएचडी गार्डन थड़ा ने बताया कि वे मंगलवार दोपहर पहचान पत्र के लिए भगत सिंह कॉलोनी स्थित ई मित्र पर आवेदन करके अपने भाई के साथ स्कूटी से बीड़ा ऑफिस के पीछे वाली गली से बाईपास की तरफ लौट रही थी। इसी दौरान ब्लैक पल्सर पर दो जने पीछा करते हुए आए और उनके गले से चैन झपट कर भागने लगे, जिन्होंने उनका हरिराम हॉस्पिटल तक पीछा भी किया, लेकिन बदमाश कच्चा रास्ते से होकर फरार हो गए। बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता ने बताया कि तोड़ी गई चैन करीब 1.5 तोले की थी। वहीं मौके पर पहुंचे फूलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी आसपास के इलाकों में पुलिस टीम लगाकर सीसीटीवी फुटेज खंगालते रहे। आपके साथ? सर, मेरा नाम आरती यादव है, वाइफ ऑफ संजय यादव है। मैं लैपटॉप बनवाने के लिए हुंडई सर्विस सेंटर से निकली थी, फिर ई मित्र पे गई। वहाँ पे मैंने वोटर आईडी बनवाया, वहाँ रुकी मैं आधे घंटे या 45 मिनट रुक के मैंने वोटर कार्ड बनवाया। फिर वहाँ से निकली, फिर आगे एक मित्र और था, ई मित्र था, वहाँ भी निकली। मुझे डाउट हुआ कुछ थे वैसे लोग, तो फिर मैं वहाँ से स्कूटी से फिर VDI से निकली वहाँ से। फिर वहाँ एक होटल था छोटा सा, मैंने वहाँ पूछा कि इंडियन गैस सर्विस के बारे में मुझे पता करना था, क्योंकि मुझे गैस सबमिट करनी थी। फिर वहीं से वो मुझे तेज़ी से वॉच करते सर्च करते ही वो आ रहे थे। फिर पीछे मैंने देखा नहीं, सडनली हम लोग शॉप देख रहे थे कि कहाँ क्या है, और सडनली वो पीछे से आए हैं, बाइक को सटाया है, पीछे से अचानक हाथ मारा है, खींचा है, चैन को खींच के निकले। मैं चिल्लाती हुई उन लोग को वहाँ से पूरे हरिराम हॉस्पिटल तक उनका पीछा किया है। वो मेहंदी कलर के शर्ट पहने थे, दो पतले दुबले ही लड़के टाइप के थे, हेलमेट भी उन्होंने नहीं पहना हुआ था, उनकी बाइक पे प्लेट नंबर भी क्लियर नहीं था, वाइट ही थी। हरिराम हॉस्पिटल तक मैंने वहाँ तक उनका पीछा किया, बट वो जंगल इलाका था, मुझे सेफ नहीं लगा कि मुझे वहाँ आगे जाना चाहिए था, इसलिए मैं फिर वहाँ रुक गई। फिर पुलिस को फ़ोन किया, फिर मटीला गई, फिर वहाँ से सारे फुटेज वगैरह उनके निकाला, दिखाया कि हाँ ये थे। फिर वो फुटेज निकल गई है उनकी, बस उनको फाइंड आउट करना बाकी है। आगे ये पुलिस की कार्रवाई है कि जल्द से जल्द उनको पकड़े, और ऐसी वारदात ऐसी घटना और किसी के साथ ना हो, इसके लिए भी थोड़ी सी उस इलाके को, उस रूट को और सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। सबसे एज रिक्वेस्ट है कि जो वुमेन है वो फ्री हो के कम से कम मार्केट में निकल सके, चल सके। ऐसा नहीं कि डेली वारदात हो रही है, आज मेरे साथ है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कल को किसी और के साथ ना हो पाए, इसलिए थोड़ा सा सोसाइटी, पुलिस थाने, सब जगह जैसी हो फुटेज प्रोवाइड करें, कैमरे लगवाएं, ताकि उस इलाके में प्रॉपर कोई भी ऐसे हादसे, पता है हमें कि वहाँ से यहाँ तक उस रास्ते में थोड़ा गांव से यहाँ तक होती हैं ये वारदातें, तो हर जगह फुटेज लगवाया जाए कि इनकेस यदि किसी, क्योंकि ये हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, बहुतों के साथ हो चुका है अभी तक, क्या है क्या नहीं। तो जब हमें पता है कि इस रूप में ये हादसे होते हैं, तो मैं पूरी जो ऊपर के जो भी हैं सेवक हैं या जो भी समाज के विधायक हैं या वहाँ के जो भी सरपंच हैं, जो कुछ भी, सबसे निवेदन है कि इसमें सोसाइटी में औरतों के लिए सुविधा प्रदान की जाए, कि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल किसी और लेडीज़ के साथ ना हो, क्योंकि सबको पता है कि आए दिन वहाँ घटना होनी ही होनी है। जब हमें पता है ये घटना होनी होनी है, तो हम क्यों नहीं अवेयर होते हैं, क्यों वहाँ के सारे लोग विधायक हो गए, पुलिस निरीक्षक हो गए, सबको अवेयर होना चाहिए, वहाँ पर पूरे रास्ते में CCTV फुटेज होने चाहिए, जिससे भी किसी भी चोर को फाइंड आउट किया जा सके, क्योंकि वो जंगल का इलाका है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि दोबारा किसी के साथ ना हो, कि कृपया अवेयर सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस तरीके से आपके क्या है? यस, मैं आज जानबूझ के चैन पहन के आई हूँ, और आज मैं मेंटली वहीं उसी जगह पे बार बार जाऊँगी, दोबारा जाऊँगी, क्या है देखो, वो भी एक इंसान कि क्या है क्या नहीं, उसने पहली गलती की होगी, दूसरी गलती की होगी, तीसरी गलती की होगी, उससे कभी उसकी माँ ने, उसके घर में उसके पेरेंट्स ने कभी अवेयर ही नहीं कराया कि ये गलत रास्ता ये क्या है। तो सिर्फ मैं उसकी, वो एक दिन में चोर नहीं बना है, वो धीरे धीरे डेली बाय डेली चोरी करते गया, उसकी किसी की गलती ने उसको पकड़ा नहीं, उसको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, उसको किसी ने समझाया नहीं, ये हैबिट उसकी करते करते तो आज चोर बना है। वो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सडनली चोर डाकू डकैत नहीं बनता है, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, वैसी परिस्थिति मिलती है,
माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी रोल होता है कि हमें अपने पेरेंट्स को कैसे बड़ा करना है, कैसे परवरिश देनी है, कहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें परवरिश पे डिपेंड करती है। वो चोर एक दिन में नहीं बना होगा, उसकी भी कहीं ना कहीं उसके इसमें भी गलती उनके पेरेंट्स की, उनके आसपास के लोगों की है, उनके एनवायरनमेंट की है। तो मैं एक दिन में उनकी गलती तो नहीं मान सकती। घटना के वक्त मेरा भाई था और मैं थी, दो ही लोग थे बस। और जो थे जिन्होंने चैन छोड़े वो क्या पहने हुए थे और क्या सर क्या उम्र होगी? एक्चुअली हम लोग सडनली ऐसे ही जा रहे थे नॉर्मल, वो पीछे से बाइक सटा के आया, सामने से भी नहीं है, पीछे से ऐसे सटाया, ऐसे छीना है, और फिर तेजी से जब भगाए तब समझ में आया कि इसी ने हम छीना है। वो पीछे मेहंदी कलर का शर्ट पहना हुआ था, जीन्स उसने ब्लू कलर की पहनी हुई थी, शूज था, आगे वाले ने मास्क पहना था, पीछे वाले ने रुमाल ऐसे बांधा हुआ था, दोनों मतलब वैसे ही थे, सांवले थे टाइप के, और बाइक पे नंबर भी उनकी दिख नहीं पाई है, पल्सर बाइक थी उनकी, वाइट नंबर प्लेट लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं नंबर प्लेट उनको देख लूँ। मैं चिल्लाती गई, पूरे रास्ते तक गई हूँ हरिराम हॉस्पिटल में कि कोई हेल्प कर दो, बट यहाँ कोई भी किसी ने हेल्प भी नहीं की। मैं चिल्लाती गई, वहाँ गन्ने की शॉप पे लोग भी थे, मैं चिल्लाई भी, वो लोग सुन रहे हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ किसी की हेल्प ही नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं। नहीं तो वो चोर बड़ी मुश्किल थोड़ी थी, यदि जितना मैं चिल्लाते यहाँ से वहाँ तक भागी गई हूँ, लोग कोई भी स्कूटी से बाइक से पीछा करता या बाइक से जेंट्स भी करता तो पकड़ लेता उसको।